मुरादाबाद की तहसील बिल्लारी के एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को सफेद रंग से भगवा रंग में रंगवा दिया गया है। खबर मीडिया की सुर्खियां बनते ही आनन फानन में स्कूल की बिल्डिंग को भगवा रंग से फिर से सरकारी मानक के सफेद रंग में ही रंगवा दिया गया है। स्कूल की दीवार पर बने राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप भी सही कर दिया गया है। सरकारी स्कूल की इमारत को भगवा रंग में रंगे जाने का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। इसके बाद पता चला कि स्कूल को भगवा वहां के प्रधान ने करवाया था। जैसे ये खबर फैली तो बिल्लारी के सपा विधायक ने इसे गलत बताते हुए इसका विरोध भी किया था और इसे जल्द ही भगवा से सफेद करवा दिया गया। मानक होता है, पहले आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। सिर्फ इसका व्हाइट कलर होता है, सफेद। और क्या होता है? और उस पर ऊपर हरी पट्टी होती है और जूनियर में रेड व्हाइट कलर और ऊपर उसके रेड पट्टी होती है, लाल कलर। सारे स्कूल में यही कलर होता है, प्राइमरी और जूनियर में? जी जी, मानक जो है यही है, वाइट कलर का मानक है और प्राइमरी में हरी पट्टी और जूनियर में रेड पट्टी होती है। अच्छा, तो जो हम लोगों ने आपके स्कूल में देखा पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है, जी जी, आपका पूरा स्कूल भगवा कलर का हो गया। जी, ये जी, कलर किसने करवा दिया था? जी, ये कलर प्रधान जी के द्वारा कराया गया था। चूँकि जून माह में हमारा ग्रीष्म अवकाश था, उस टाइम हम लोगों को इसका कुछ हमारे संज्ञान में नहीं, उन्होंने हमारे पीछे ही बाहर की सारी पुताई उन्होंने भगवा कलर से कराई थी, लेकिन उसके बाद अब ये चेंज करा कर उन्होंने व्हाइट कलर करा दिया है। अच्छा, आपके स्कूल में भगवा कलर करा दिया, क्या आप लोगों को पता नहीं लगा? नहीं नहीं, उस टाइम हमारी छुट्टियां चल रही थी। अच्छा, तो छुट्टियों के बाद जब आप लोग आए तो आपने प्रधान जी से इस चीज़ का कोई विरोध नहीं करा? सर, वो तो हमने कहा था, लेकिन उसके बाद बोलिए बोलिए। जी जी सर, हमने कहा था तो वो चूँकि पुताई तो हो चुकी थी। प्रधान जी किस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए? सर, ये तो वो ही बता सकते हैं, मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ आपको। तो आपका फर्ज ये था, शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनको आपने जानकारी नहीं दी? सर, अब देखिए, चूँकि पुताई तो हो चुकी थी और कहा भी था, देखिए उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को आपने जानकारी दी? नहीं, इस बारे में तो हमने कोई जानकारी नहीं, चूँकि प्रधान जी ने कह दिया था कि मैं वाइट कलर करा दूंगा, इसको चेंज करा दूंगा, तो हमने कहा ठीक है, वाइट कलर आप करा दीजिए, इसको चेंज करा दीजिए। फिर उन्होंने एक दो हफ्ते के अंदर इसको वाइट कलर करा दिया। क्या ये जो रंगाई पुताई होती है, क्या ये सरकारी पैसे से होती है या प्रधान जी के पैसों से? जी, ये प्रधान जी ने उसके विकास से ब्लॉक के माध्यम से कराई है, उनके खाते में पैसा आया है। इससे पहले तो हमारा वाइट ही कलर था, इससे पहले हम वाइट ही कलर कराते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पंचायत राज विभाग से उनके खाते में जो धनराशि आई थी उन्होंने उससे पुताई कराई। पुताई हर साल होती है या? जी जी, हम हर साल पुताई कराते। अब तो ये 10-15 दिन में जो है दूसरी बार पुताई हो गई, चेंज कराई उन्होंने, भगवा कलर चेंज करा कर वाइट कलर कराया, चूँकि हम लोगों ने प्रेशर किया कि प्रधान जी ये चेंज करा दीजिए इसको, तो वो इसलिए उन्होंने जो पैसा और विकास कार्यों में लगता वो इसमें दोबारा। सर, वो देखिए, अब वो तो उन्होंने कहने पर हमारे प्रेसली तौर पर कही, फ्लैग बना दी उसको भी भगवा कलर में रख दिया गया, लेकिन अब सर वो चेंज कर दिया गया है, वो आर्टिस्ट कर गया था। हमने आकर जब छुट्टियों के बाद आए तो हमने शिकायत की, मैंने कहा ये झंडा आपका गलत है, आपने झंडा गलत बनाया। हाँ सर, ये तो गलत बात है, लेकिन फिर भी सर हम अब वो जो चेंज हो गया है उसको ठीक कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट।